हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं वैशाली संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पटेरी वेलसा में। हम यहां करने आए हैं जन की बात, यहां की जनता से जानने आए हैं उनके मन की बात। वो चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, वो कौन से मुद्दे हैं जो उनके वोट को प्रभावित करने वाला है, वो कौन से उम्मीदवार हैं जिसे वो अपना सांसद के तौर पर देखना चाहते हैं और किसे वो देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो चलिए लेते हैं इन्हीं सवालों का जवाब यहाँ की जनता से और शुरू करते हैं जन की बात, जानते हैं उनके मन की बात। आप बताइए सर जी, आप क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर, कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? देखिए, चुनाव एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसमें प्रत्येक जनता जो है अपने मत का प्रयोग करता है। मत का मतलब अपना विचार व्यक्त करना। तो हम एक अच्छे छवि का नेता का चुनाव करेंगे तो अच्छा विचार जैसे विचार से उसका चुनाव करेंगे, जो अच्छे लोग होंगे उनका चुनाव करेंगे। ऐसे में हमारे जो उम्मीदवार हैं रघुवंश बाबू, वो उनके छवि पर ना कोई दाग है और विकास, आज जो नीतीश कुमार विकास पुरुष बने हुए हैं उसका पूरा श्रेय रघुवंश बाबू पर जाता है। उन्हीं के विकास का टोपी पहन के और बिहार में विकास पुरुष बन गए। तो ये तो ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका न कोई किसी से लड़ाई है, ये तो एक तरफा जैसे है। और उनको ये बताइए कि रघुवंश बाबू की टोपी पहनकर मतलब वो बन गए, विकास पुरुष बन गए नीतीश जी, आखिर क्या वजह है कि 2014 में रघुवंश बाबू पिछड़ गए? देखिए, जो मोदी जी का जो ये जुमला पत्र जो था, जिसका घोषणा पत्र जिसको मैंने कहते हैं, उसी जुमला पत्र के फेर में जनता, भोली भाली जनता पड़ गई, जिसके वजह से रघुवंश बाबू हार गए। और इसमें हम लोग खुद जो हैं अफसोस कर रहे हैं कि ऐसे नेता हार गए और हम लोग काफ़ी पीछे चले गए विकास में। ये बताइए कि रघुवंश बाबू जो जातीय समीकरण है उसे कैसे तोड़ेंगे? जाति समीकरण से इनको वोट से मतलब थोड़े है, इनको तो सब जात है, सब कोई वोट देता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ जात के वोट से जीतते हैं, जात के वोट से हारते हैं। इनको तो सब जाति में वोट है, सब जाति इनको चाह रहा है कि बने इस बार, ऐसा नहीं है। बिना देवी बिना सिंह क्या इनके लिए चुनौती नहीं है? ना, कोई चुनौती नहीं है, कोई चुनौती नहीं। आप क्या कहते हैं? रघुवंश बाबू जिंदाबाद। बिना देवी बिना सिंह जो हैं वो चुनौती नहीं है? नहीं, चुनौती नहीं है, नहीं है। इनके मुकाबला ही नहीं है इनसे, कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई तुलना नहीं है सर, कोई तुलना नहीं है। एक चौथा पास व्यक्ति और एक PhD व्यक्ति से क्या तुलना हो सर? जो बोलते हैं कि अब शिष्या नहीं थे, उनके पति जो थे दिनेश सिंह, इनके कार्यकर्ता रह चुके थे, इनके इलेक्शन रेंजर रह चुके थे। तो राजनीति में तो विरोधाभास होता है, कल आज इधर है कल उधर है, तो इसमें उनके शिष्या नहीं थे, कार्यकर्ता उनके थे दिनेश सिंह रघुवंश बाबू के, जैसे चुनावी कार्यकर्ता रहते थे और कोई विशेष उनसे कोई ये नहीं था। और सवाल है कि देश के अस्मिता के लिए रघुवंश बाबू को संसद में जाना जरूरी है, इसलिए अब जनता, भोली वाली जनता एक बार धोखा खा चुकी है, इस बार धोखा खाने वाली नहीं वैशाली की जनता। वैशाली जनतंत्र की जननी है, यहाँ से ही सारे दुनिया में जनतंत्र की रोशनी मिला है, इसलिए इस बार धोखा नहीं खाएगा। उस बार बदलाव की था, लोग सत्ता के खिलाफ आक्रोश होता है, 20 साल तक इन्होंने था, इसलिए लोगों को बुझाया कि ना इससे यदि बेहतर होगा, लेकिन उससे बहुत खराब हुआ, लोग पश्चाताप किए पाँच साल, उसके बाद फिर
फिर 5 साल के बाद अब सारे लोग मूड बना चुके हैं कि रघुवंश बाबू से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं है हमारे वैशाली की भला के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि रघुवंश बाबू के नहीं रहने से बिहार की आवाज़ को कोई उठाने वाला नहीं है संसद में, देश के नहीं, बिहार के, बिहार ही खाली पड़ता और संसद भवन ही खाली लगता है इनके बिना। कौन सा गांव बोले थे हम शुरू में? पटेरी बेल सर, प्रखंड के। सबसे बड़ा एक मुद्दा है जी 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 बताइए कि रघुवंश बाबू के नहीं रहने से वैशाली का जो अस्तित्व है वो खतरे में है। वैशाली में महावीर जयंती के अवसर पर एक बहुत बड़ा भव्य मेला लगता था और जिसको खत्म करने का काम बिहार सरकार ने किया है, और एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं आए उस मेला के उद्घाटन में और ना देखने के लिए, वो खत्म हो गया। इसलिए वैशाली का अस्तित्व खतरा में है और हम लोग इस बार इसी मुद्दा को लेकर वैशाली में रघुवंश बाबू को, वैशाली की हमेशा उपेक्षा हुआ है 15 साल में नीतीश बाबू ने, माने वैशाली को हमेशा उपेक्षित समझा, जनतंत्र की जननी है, नालंदा चले जाते उधर, लेकिन वैशाली को 15 साल की अवधि में प्रधानमंत्री भी आ चुके राजीव गांधी, लेकिन एक बार उन्हें मेला के उद्घाटन में, सरकारी मेला में इन्होंने एक बार नहीं आया। और 2 महीना पहले ये रघुवंश बाबू ने जो थी केंद्र से, माने आर्ट एंड कल्चरल डिपार्टमेंट से उन्होंने लड़ करके और फंड ला करके केंद्र से आया, उसको इन्होंने 2 साल तक रोक करके रखा। हाईकोर्ट जब केस हुआ, जब केस के हाईकोर्ट इनको फटकार लगाया कि बिहार सरकार को, तो इन्होंने इलेक्शन के समय आकर उद्घाटन करने का काम किया है, जो 315 करोड़ की परियोजना है, मैं बुद्ध दर्शक बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बन रहा है, जो वैशाली मैंने दुनिया पर में धरती पर स्वर्ग बनेगा, जो यहाँ परियोजना बन रही है, जो वैशाली की गरिमा को बढ़ाने का काम किया रघुवंश सिंह ने, और झूठ नाम लूटने का काम इन्होंने उद्घाटन करके किया इलेक्शन के समय कि जनता को मोहने के लिए। उसके पहले 15 साल वैशाली याद नहीं था इनको कि वो राजगीर और बोध गया याद होता था, क्षेत्रवाद की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, और सार्वभौम राजनीति इनका नहीं है, क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, जातिवाद की राजनीति करते हैं, बैकवर्ड में बैकवर्ड को फोड़ करके, दलित महादलित फोड़ तोड़ करके अपना राजनीति करना चाहते हैं। 37 जातियां बैकवर्ड में एक बार संगठित था, लालू यादव ने किया, उसको इन्होंने तोड़ करके अलग अपना डफली बजा किया, गरीब में गरीब को बांट करके, गरीब को लड़ा करके इन्होंने राज करने का काम किया 15 साल। अब गरीब समझ चुका है, अब उनके झांसा में आने वाला नहीं पलटू बाबू के जी। तो ये थी गणतंत्र की जननी वैशाली की जनता की आवाज़, सुना आपने। वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? प्रभावित यही करेगा कि नरेंद्र मोदी जी आगामी चुनाव में जो वादा किए थे वो वादा को तो भूलिएगा, लेकिन संविधान में जो छेड़छाड़ किए हैं ये उनके लिए घात कर गया। संविधान में क्या क्या किस तरह से छेड़छाड़ किए? छेड़छाड़ किए हैं कि जो नौकरी में प्रमोशन था उसको भी अवरुद्ध कर दिए हैं, और जो बढ़िया मार्क्स से जो बच्चे आते थे वो जनरल में चले जाते थे उस पर भी उन्होंने बाउंडेशन लगाने का काम किया है। ये सब थोड़ा अच्छा हमको नहीं लगा। अब उनकी मंशा क्या है, पहले तो मैंने दिल खोलकर उनका सपोर्ट किया था और बड़ी उम्मीद थी कि भाई वो जाएंगे तो हम लोग के लिए बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा 5 साल में नहीं लगा। ये बताइए आप किस समुदाय से आते हैं? हम तो है राम समुदाय से हैं। राम समुदाय से। तो ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि आरक्षण में प्रमोशन, और इस आरक्षण में प्रमोशन का मामला बता रहा है ना? नौकरी में जो प्रमोशन मिलता था, हाँ सॉरी, नौकरियों में जो आरक्षण मिलता था प्रमोशन के लिए, उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो ब्लॉक कर दिया गया जी। हम सुनने में जो हमको लगा या पेपर के द्वारा लगा, इस बात पर मैं दुखी हूँ इस बात से जी। ये बताइए, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम गरीबों के मसीहा हैं, हम गरीबी को समझते हैं, गरीबों का दर्द जानते हैं, और दलित समुदाय के लिए जीने की भी बात करते हैं, तो बराबर देखने की चीज़ है। बराबर आज भी बात करते हैं, आज भी बात कर रहे हैं, लेकिन हम कहे बच्चे को बैठा कर कि खा लो दही चूड़ा दही चूड़ा, बच्चा मेरा रात दिन बैठा रहा है और सूखी रोटी भी इसको ना मिले, इसको क्या कहिएगा? तो वो दही चूड़ा खिला रहा है आपको? नहीं, दही कुछ नहीं मिला, दही चूड़ा भी नहीं मिला, आशा तो मिला उसके बावजूद भी कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। जो लोग वोट दूसरे को भी देने का बात करते हैं वो एक बार जरूर कहते हैं कि रघुवंश बाबू के छवि का कोई नहीं है। अब मोदी जी के नाम पर बिना दर्शन का बिना ये वोट अगर किसी को दे दे आदमी, गहरा में बिक दे उसका कोई
ये नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि जो भूमिहार समुदाय है या ऊंची जातियों के लोग हैं वो मोदी के सिवा किसी को अपना वोट नहीं दे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग पिछले कई बार देख चुके हैं इनका विकास। हम लोगों को कालीकरण जो नजर आ रहा है वो रघुवंश बाबू का देन है। और यहाँ के इससे पहले भी सांसद रहते थे उन लोगों का यहाँ नहीं ये होता था। यहाँ कोई बीमार अगर होता था रघुवंश बाबू के टाइम में तो यहाँ उनका एक आदमी दिल्ली में रहता था जो मदद करने के लिए एम्स में या कहीं भी जो पर्सनली यहाँ के जनता का काम करता था। चलिए थैंक यू। मौजूदा देश में जो हालात है, गरीबन का बटुआ काट लिया मोदी सरकार, गाय गंगा गोबर मंदिर मस्जिद के नाम पे चलने वाली ये सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। तब जाकर मुझे वो आशुतोष राणा की चार पंक्तियाँ याद आती है कि बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारों का क्या होगा, शिव के गंगा भी पानी है आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए पानी का मजहब का होगा, पानी का मजहब का होगा। उन देश के चौकीदार से पूछो क्या सूरज अलग बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी क्या हवा भी नहीं चलाओगे, रहमत का करे जो बंटवारा नस्लों का करे जो बंटवारा, रहमत वो रंग का ढोंगी है क्या खुदा ने मंदिर तोड़ी थी या राम ने मस्जिद तोड़ी है, बांट दिया इस धरती को चांद सितारों का क्या होगा, चांद सितारों का क्या होगा। मैं अजीत कुमार सिंह, जिला महासचिव युवा राष्ट्रीय जनता दल, वैशाली बिहार। सर मोदी जी बोले थे जे प्रत्येक साल हम युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 5 साल में तो 10 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए। आज युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। ये बताइए कि मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम लगातार रोजगार दे रहे हैं युवाओं को। नहीं नहीं सर, रोजगार लगातार क्यों दे रहे हैं, प्राइवेट में सेक्टर में सभी एजेंसियों को मतलब सभी सेक्टर को बेचा जा रहा है। आज देखिए BSNL घाटा में चल रहा है और जियो कहाँ पे चला गया, उसके बाद बहुत सारे संस्थाएँ सरकारी का जो है सो घाटा में चला, जेट एयरवेज का जो कि इतने कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं और यही सिर्फ देश में हालात। ये बताइए कि वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा। पिछले ये सांसद से हम लोगों ने धोखा खाया है, मोदी जी के नाम पे हम लोग नहीं देखते हुए अभी वोटिंग किया है पिछले सांसद को, ये रामा बाबू को, लेकिन वो लोग 5 साल में दर्शन नहीं आए। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि अगर विरोध में भी रहे तो रघुवंश बाबू पार्लियामेंट में जाएं। मतलब विरोध में भी रहे तो वो पार्लियामेंट में जाएं, इनके जैसा आदमी पार्लियामेंट में जाना जरूरी है। ये सरकार में जाएं या विरोध में जाएं, लेकिन पार्लियामेंट में जाएं ताकि अंकुश लगाए बोल सके। ये लोग सभी रघुवंश प्रसाद सिंह के समर्थक हैं और इनका कहना है कि सही में विकास पुरुष नीतीश कुमार नहीं बल्कि रघुवंश सिंह हैं, और जो CM नीतीश हैं वो रघुवंश प्रसाद सिंह की टोपी पहनकर ही विकास पुरुष बने हैं। कैमरामैन नवनीत के साथ योगेश चक्रवर्ती, रेड नेटवर्क, वैशाली। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।